नोएडा में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए होने वाले टेस्ट आरटीओ कार्यालय में नहीं होगा, टेस्ट प्राइवेट मोटर ट्रेनिंग सेंटर में होगा और यह सेंटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में होंगे। तो आपको बता दें कि दरअसल राज्य सरकार के स्तर से सभी जिलों में प्राइवेट मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए 2023 में आवेदन मांगे गए थे। नोएडा में अब तक के दो मोटर ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें पहला मैसर्स शिवम मार्वल और दूसरा मैसर्स साई फायर एप्लीकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के आवेदनों को लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें से मैसर शिवम मार्वल और मोटर ट्रेनिंग सेंटर दादरी के पास बनकर तैयार हो गया है। RTO कार्यालय हैं, वहां से लाइसेंस जारी किए जाते रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट का अप्रूवल दोनों चीजें RTO कार्यालय से हो रही थी। ये उत्तर प्रदेश का पहला मोटर ट्रेनिंग स्कूल है, जिसका नाम है शिवम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, जो जनपद गौतम बुद्ध नगर के दादरी कस्बे में बिसाड़ा नामक गांव में है। तो इनको अब ट्रेनिंग के साथ साथ टेस्टिंग के लिए भी परिवहन आयुक्त कार्यालय से अनुमति मिल गई है और अब ये टेस्टिंग का कार्य भी करेंगे। अभी तक जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल हुआ करते थे वो सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करते थे, अब ये ट्रेनिंग के साथ साथ टेस्टिंग देंगे। अर्थात जो हमारे लाइसेंस के अभ्यर्थी हैं ये वहाँ जाएंगे, इनका टेस्ट मोटर ट्रेनिंग स्कूल लेगा, ये पास होते हैं या फेल होते हैं ये सर्टिफिकेट शिवम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल देगा। ये RTO कार्यालय उनके सर्टिफिकेट को सिर्फ अप्रूवल करेगा, अगर वो पास कर देते हैं तो पास का अप्रूवल करेगा और फेल कर देते हैं तो कारण बताते हुए उसको रिजेक्ट कर देगा। और ये जानने का प्रयास किया गया कि यहाँ पे उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कोई मिडिल मैन या दलाल तो सक्रिय नहीं है जिससे कि उनको समस्या हो रही हो, लेकिन दोनों जगहों पे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक लोगों ने दिया। वहाँ पे जो उपस्थित लोग से जिनसे बात हुई उन सभी लोगों ने इसकी इस तरह कोई शिकायत नहीं करी। थोड़ी मोड़ी जैसे गंदगी कहीं कहीं दिखी हमें और कुछ कुछ कार्यालय के अरेंजमेंट में जो समस्याएँ आई थी वो हमने संबंधित को बता दिया है और इस तरह के औचक निरीक्षण और भी कार्यालयों के हम लोग आगे भी करते रहेंगे, जहाँ से सामान्य रूप से जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है